आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे स्टूडियो में लाइव हैं आज राजकुमार सैनी जी और पूर्व क्षेत्र से एमपी रह चुके हैं ये, और समय समय पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, और कई जगह चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव के साथ साथ कई लोगों के साथ भी रह चुके हैं राजकुमार सैनी जी। तो ये लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो हैं, संरक्षक हैं। हमारे साथ राजकुमार सैनी जी, आज इनसे खास बातचीत होगी चुनाव के, चुनाव का है नहीं लेकिन किसानों के मुद्दे पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। राजकुमार सैनी जी ने एक नारा दिया था कि मुझे आप जिता दो, 100% मैं जनता का भला करूंगा, जिसमें सभी राष्ट्र सभी बिरादरी का मैं भला करूंगा अगर मुझे आप जिताते हैं तो। लेकिन राजकुमार सैनी जी आजकल मेरे साथ, राजकुमार सैनी जी हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सैनी साहब, आपने कहा था मुझे आप जिता दीजिए, 100% सबका मैं भला कर पाऊंगा अगर मुझे आप सत्ता में लेके आते हैं तो। मैंने क्या कहा था वो आप शायद आपके जहन में अभी पूरी तरह, मैंने कहा था कि आप मुझे जिताएंगे तो मैं 100% आरक्षण लागू करूंगा, क्योंकि जातीय भेदभाव की वजह से आज 85% जो दलित और पिछड़ा और माइनॉरिटी है उसकी हिस्सेदारी ना ही तो किसी 40 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियां हैं देश में, एक भी ओबीसी का आज तक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, वाइस चांसलर तो बहुत दूर की कौड़ी है। हमारे देश में 5 वर्गों पे भाषण होता है, किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, महिला सुरक्षा पे। इन 5 वर्गों का शोषण करने वाले ही सारी पार्टियों के मुखिया हैं और वो भाषण देते हैं, और इन पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं इस दलित और पिछड़ा माइनॉरिटी में से कुछ लोग, जो अपनी राजनीतिक रोटियां गाहे बगाहे वन बाई वन करके कभी कांग्रेस से कभी बीजेपी से सेकते रहते हैं। उन्हें अपने घर तो उन्होंने महल माड़ियां खड़ी कर ली, लेकिन उनके वर्गों की वस्तुतः स्थिति सरकार में, शासन में, जुडिशरी में, मीडिया में कौन सी हिस्सेदारी उन लोगों को दिलवानी चाहिए थी, उसके लिए कभी वो एक शब्द इसलिए नहीं बोल सकते कि जो ऊपरली जातियों के जनरल कैटेगरी में जो बड़े लोगों ने पार्टियां बना रखी हैं, उनकी खिदमतगारी, उनकी गीत गाना, उनकी जी हजूरी करना, यही उनका मकसद है टिकट पाने का। और वो समाज के समानता आधारित इस देश का निर्माण करने के लिए एक शब्द इसलिए नहीं बोल सकते कि कहीं अगला टिकट कट ना जाए। व्यवस्था में हमने 5 बात कही थी कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जाति व्यवस्था हमारे देश में खत्म नहीं हो सकी, जो कि गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके सब लोगों को समान अष्टांग मार्ग और पंचशील के मुद्दे से कहा था कि झूठ बराबर पापनी, सच बराबर तपनी, और जीवन एक संघर्ष है, मृत्यु सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज अडंबरबाजी में 5,000 साल से दलित और पिछड़ा ये ऐसी व्यवस्था में जकड़ दिया गया है जहां 33 करोड़ देवी देवता, भगवान और ना जाने कितने, मतलब जो है ना इष्ट और पुष्ट जो है ना महापुरुष बना के खड़े कर दिए। जबकि कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो महापुरुष हो सकता है अच्छे कर्म करने वाला, चाहे कबीर दास जी, चाहे रविदास जी, चाहे हमारे जो है ना गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, जितने लोगों ने भी इस मानवता के लिए काम किया वो महापुरुष हुए। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा हमारे देश की सरकार ने दाखिल कर रखा है कि कोई राम कृष्ण ये हमारे महाकाव्य हैं, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे रखा है। बदकिस्मती है कि आज देश में हिंदू और मुसलमान बना करके लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं,
जबकि भारत का मूल निवासी समाज यही एससी एसटी ओबीसी जो 85% लोग हैं, इन और जिसमें बहुदाय किसान हैं, मजदूर हैं, ये दलित और पिछड़े ही हैं जो ठेके पर जमीन लेकर के किसानियत कर रहे हैं। और बड़े जागीरदार जिमीदार तो आजकल ठेके पर जमीन देकर के बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, ये मजदूरी पैसा लोग यही जमीन ठेके पर लेकर के किसानियत कर रहे हैं। आज किसान की हालात एक मजदूर से भी गई गुजरी है। मजदूर तो फिर भी 500-400 रुपए की दिहाड़ी करके अपनी नकद वसूल लेता है, किसान को तो दिहाड़ी भी निकलती नहीं है खेत से। ऐसी व्यवस्था में किसान को लेकर के जो बीजेपी सरकार थी, जो कहती थी कि मैं 2 गुना समर्थन 1.5 गुना समर्थन मूल्य दूंगा और उसके साथ साथ में किसान की आमदन 2 गुनी कर दूंगा और बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरियां की स्थापना हर साल करूंगा और इसी प्रकार से आम जन के लिए सर पे छत मुहैया कराऊंगा। एक व्यक्ति की अखबार में इश्तहार छपता है कि 2 करोड़ 40 लाख घर बना करके सरकार ने दे दिए और जिसका इश्तहार छपा उसके घर पे 500 रुपए वो खोली किराए पर लेके रह रहा है। इस तरह के जुमलेबाज लोग, पहले 55 साल तक कांग्रेस हमें बहकाती रही दलित पिछड़े को और आज बीजेपी भी उसी राह पर उससे भी आगे बढ़ करके ढोंगी लोग इस देश को चिपक गए हैं। जो यहाँ का कामगार इंसान है, चाहे वो चमार भाई है, वो देश की सड़कें बिल्डिंगा आपकी खेती आपकी फैक्ट्रियां चलाता है, चाहे सफाई कर्मचारी है, हमारा वाल्मीकि समाज है और दूसरे समाज है वो देश की सफाई करते हैं, कामगार समाज है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कपड़े सिल रहा है, कोई मेज कुर्सी बना रहा है, कोई आपके मकान बना रहा है, कोई आपके जो है ना लोहे के औजार बना रहा है। इस प्रकार से जो कामगार जातियां हैं उनका शोषण, क्योंकि जमीनें उनके पास थी नहीं, उनका शोषण इतनी बुरी तरह से हुआ, जो किसान के साथ जुड़ा हुआ था वो किसान आज लुप्त हो गया है। किसानियत एक बदनुमा धब्बा जैसी लगने लगी है। लोग 4 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। सरकार जुमलेबाजियों की जो आज ये मतलब उनकी अनदेखी करके 6 महीने 5 महीने में भी उनकी बात नहीं सुन रही, तो उनको लोग जूते भी मारेंगे। ये लोग वो है जैसे मतलब कि लालची आदमी खलड़ी उतर जाए लेकिन वो अपना स्वार्थ नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से सरकारों में बैठे लोग अपना स्वार्थ ना छोड़ करके आज गांव में बढ़ नहीं सकते, लेकिन बदकिस्मती है कि मुख्यमंत्री जी अगर गांव में ना बढ़ सके, किसी फंक्शन में ना जा सके, तो वो किस लिए सरकार चला रहा है। जी सैनी साहब, आप बड़े बड़े कसीदे पढ़ते थे, आप एमपी थे जब, कि हम गरीब तबके के लिए ये करेंगे, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाए अब तक। लेकिन आप नरेगा को लेके आपने कई बार आवाज उठाई है, नरेगा को लेके, नरेगा के साथ नरेगा को किसान से जोड़ दिया जाए, लेकिन श्रेणी साहब पहले पूरा प्रश्न मेरा सुनिए। आपने बार बार आवाज उठाई नरेगा को में जोड़ दिया जाए खेती को किसान को, ठीक है, लेकिन 4 महीने 6 महीने हो चुके, लेकिन श्रेणी राजकुमार श्रेणी जो रोज बड़े बड़े कसीदे पढ़ता था गरीब तबके के लिए किसानों के लिए, वो कहीं ना कहीं 6 महीने में आज तक दिखाई नहीं दिया उनके समर्थन में, क्या वजह है? देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं आपके पास कम से कम 50 वीडियो भेज देता हूँ, लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं वो इस पे बोलते हैं कि हमें राजनीतिक लोग यहाँ पर मंच के सामने नहीं चाहिए, और कई आदमियों के कपड़े भी फाड़े, कई आदमियों के साथ बदसलूकी भी हुई है, और मेरे तो एक समाज के लोग जानबूझ करके जानी दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए मेरा जहां भी मैं हूं, मैं उन किसानों के साथ हूं जो वास्तविक किसान है, मैं किसानियत करता हूं, मैं उन लोगों के साथ नहीं है जो नौटंकी चेहरा उसके वीडियो के सामने या मीडिया के सामने दिखा करके चेहरा, जो नकली आंसू घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जैसे कांग्रेस ने बहाए किसानों का गौ बैल बच्चा लेकर के कई साल तक एक गौ बच्चा फिर बैलों की जोड़ी, इस प्रकार के जो नकली ढोंगी लोग हैं वो हम कर नहीं सकते, ना हम नकली हैं ना हम नकली लोगों में बिलीव करते हैं। उन लोगों को तो हम चाहते हैं कि ये जब तक रहेंगे इस देश को चूंट चूंट के खाते रहेंगे। जी श्रेणी साहब, चलो मान लेते हैं, लेकिन आपने भी तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र से आप सांसद बने तो 35 बना 1 का नारा दिया था, आज वो कास्ट कह रहे हैं वो हमारे जानी दुश्मन बने हुए हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने देखिए आपने गलत सुना।
अगर कोई वीडियो या प्रेस विज्ञप्ति मेरे द्वारा प्रकाशित या मेरे द्वारा लिखित कहीं किसी अखबार में या टीवी चैनल पर 35-1 के नारे की बात आ जाए, तो जिन लोगों ने 35-1 की बात दी थी वो वही लोग हैं। फिर 34-2 की बात आई थी कि मैंने कहा था कि भी व्यवस्था में मुट्ठी भर लोग जो सत्ता में सर्वे सर्वा है, वो लोग चाहे वो उनकी अपनी जाति है चाहे दूसरी है, जो आज अगर 10वीं सदी एक समाज के लोग इस हरियाणा प्रांत के अंदर 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे, वो 5 बार मुख्यमंत्री रहने वाले लोग जो अपने 10% हिस्से की बजाय 50% पे काबिज हैं, तो बाबा और मुख्यमंत्री मतलब कोई भी बाबा दादा या कोई नेता कोई किसी समाज का केले का नहीं होना चाहिए। वो किसी केले का अगर बन के रहता है तो उसी तरह भेदभाव और शोषण हमारे दलित और पिछड़े के साथ, जो आम तौर पर किसान और मजदूर ही हैं, उनके साथ जो भेदभाव हुआ, अगर उनकी आवाज किसी ने उठाई तो जो जो सुप्रसिद्ध या जो हुक्मरान थे उनको ये पीड़ा हुई कि इसने असली बात कह दी। इसलिए ये 35-1 और 36-34-1 का नारा भी उन लोगों ने दिया मेरे खिलाफ। अनिल विज जी के पास गए जब मैंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारी ब्राह्मणों से कोई नाराजगी थोड़ी है, जो ब्राह्मण अपनी खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जो लोग झूठ बोल करके इस पाखंड के जरिए इस देश में 33 करोड़ देवी देवता दिखा करके इस देश को अपने स्वार्थ की वजह से गर्त में उतार रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड बिखरा रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने बोला था। मैंने उन हुक्मरानों के खिलाफ बोला जिन लोगों ने हमारे इस 85वीं सदी दलित और पिछड़ा समाज के साथ जो भेदभाव किया, उनके खिलाफ बोला। अगर किसी के शोषण के खिलाफ या किसी की ज्यादती के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बोलना है तो वो 35-1 समझो चाहे 34-2 समझो। जी सैनी साहब, हिसार को लेके क्या कहेंगे, कोरोना को लेके आप भी कानून के दायरे में आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां पे कोविड नहीं है, 5,000 लेके मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, सरेआम देखा है सबने, और किसानों के साथ जो आपने देखा है वो एक छोटा सा रेहड़ी वाले का 505 चालान काट दिया जाता है सरेआम, तो इसको लेके आपका नजरिया क्या है? आप सांसद रह चुके हैं। देखिए बजम, मैं सच के साथ खड़ा होता हूं हमेशा। इस देश में इतनी रैलियां इलेक्शन के दरमियान हुई, इन लोगों को कोविड महान दिखाई नहीं दिया। इन लोगों को कोविड कब, जब आदेश पारित हो जाते हैं तो सवेर से शाम तक गरीब लोगों की जेब काटना, कोई आदमी मोटरसाइकिल वाला अगर कहीं टकर गया, उसके पास कहीं माउथ ऊपर लगा हुआ नहीं है, या कोई मतलब जो है ना उसने बॉर्डर लाइन पार कर दी, या कहीं मतलब बड़ा मोटा रेड लाइट का जैसे चाइना पार कर गया हो, इस प्रकार का बिहेव समझाने की बजाय उससे दुर्दांत उससे पेश आते हैं लोग, और 10-10, 20-20 हजार के भी चलान कटे। आप तो 5,000 की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को अगर अच्छा राज देखना हो तो उसमें ये आदेश पारित होते हैं कि हम जन कल्याण के लिए बने हैं, जनता को लूटने के लिए नहीं बने। ये तो लूट पाट हो रही है। कोरोना कोविड जो है ना, मैं मानता हूं कि कोरोना कोविड में मेरी अपनी फैक्ट्री का एक हेड फोरमैन जो था, जो सारी इंडस्ट्री को रन करता था, उसने वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन लगवा करके अगले दिन वो घर आया, अगले दिन उसको बुखार नहीं उतरा, दोबारा चेक कराने गया तो वो बेचारा वहां से आ ही नहीं सका। वैक्सीन लगाने वाले कितने लोग मरे हमारे, पता नहीं वैक्सीन नकली है कि असली है, टंडोरा तो पिटा जा रहा है। अपनी वैक्सीनों पर भरोसा करिए, अपनी वैक्सीनों पर भरोसा करिए। जिस प्रकार से जब सरकार में टूटपन की हलचल होती है तो फिर कुछ लोगों से बयान दिलवाए जाते हैं, सरकार चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है। यही चीज मैं इसमें कहूंगा, भरोसा तो उस चीज का दिलाया जाता है जिसमें नकलीपन आ रहा हो। अगर नकलीपन इन वैक्सीनों में है, बहुत सारे लोग 48% एक दिन अखबार में पता नहीं कहाँ डाल रखी थी किसी ने कि वही लोग ज्यादा मौत का शिकार हुए, कोरोना कोविड का शिकार हुए, जो लोगों ने एक एक परी वैक्सीन लगवाई। मैं ये जरूर कहूंगा कि आज कोरोना मुक्त पूरा अमरीका, पूरे बहुत सारे देश हो चुके हैं। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन कंट्रोलिंग करने के साथ साथ हमारे देश में राजनीति ज्यादा है, हमारे देश में देश भलाई कम है। अगर देश भलाई है तो इस
वो होती तो काम काजी लोग भूखे ना मरते। बाहरले देशों में लोग इसलिए दौड़ते हैं कि वहां मेहनत कसको मेहनत मिलती है, हमारे यहाँ मेहनत कसको मेहनत नहीं मिलती। आप जैसे भाई जो चैनल चला गए मीडिया का मतलब जो है ना प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो उनके तो गुलछर्रे चल रहे हैं, नेताओं के गुलछर्रे चल रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ता है उसका हाल राजकुमार सैनी की तरह कर देते हैं लोग। जी क्या लगता है, मुख्यमंत्री चले जाते हैं, जाने के बाद किसानों पे पुलिस ने जिस तरीके से पत्थर हाथ में देखे आपने, गोले चलाए जाते हैं, मुख्यमंत्री जाने के बाद क्या लगता है, प्री प्लान था, साजिश थी, क्या था, क्या समझते हैं आप इसको? देखिए ये तो मैं जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री के अंदर कहीं दस्त थी कि टाइम कुछ दिया था और रिबन किसी वक्त काटते हैं जाके भागम भाग में, और उसके बाद उन लोगों को पता लगता है कि समय से पहले ये आगे, और वो लोगों लोग जो इतराज कर रहे हैं, जो किसानों की सरकार सुन नहीं रही है, गुस्सा तो कहीं ना कहीं पन पड़ा है देश के अंदर। और उस वक्त जब जद्दोजहद होती है तो प्रशासन जब जिस प्रकार से मैन हैंडलिंग करता है और जिस प्रकार से वहां का सीन है उसको देख करके तो अपने देश की राजनीति पे रोना आता है कि ये है हमारे हुक्मरान जो मतलब अश्रू गैस पत्थरबाजी और ना जाने कितने लोगों के चलान कर दिए, और फिर तड़वे भी चाटते हैं कि भाई ठीक है समझौता कर लो और इसमें मतलब जो है ना किसी गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को इन किसानों की सुन लेनी चाहिए थी, जो कहीं आज देश के अंदर 4-6 महीने से बिलख रहे हैं, भटक रहे हैं। चेनी साहब आपको क्या लगता है, किसान अपनी जगह सही बैठे हैं? क्योंकि आपसे पूछना बहुत जरूरी है कि वो आपने पीछे किसी विशेष जाति के खिलाफ डंका बजाया था, और एक बात और रहेगी साथ साथ, तो आप भी 5 साल तो बीजेपी के साथ रहे हैं, जब आपने ना तो कभी इस्तीफा वापस लिया ना आपने कभी डंका, ये कहा मैंने, मैंने श्रीमान जी हर चैनल पर बैठ के ये बोल दिया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने एक बात एक समाज के लोगों को जो जबरदस्ती चीफ मिनिस्टरों के घुसाए हुए थे भूपिंदर सिंह हुड्डा के बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला करके निरस्त कर दिया, और बीजेपी उन लोगों से डर करके झूठ मूठ कर रवैया अपना के हम आपका आरक्षण नहीं हटाएंगे, हम आपका साथ देंगे, 4-6 महीने वेट करके उन लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री कमजोर है और इसको धमका दिया जाए, डरा दिया जाए, और उन्होंने पूरे प्रदेश में आगजनी की। और जब ये आगजनी हुई उससे पहले मैंने ये बात कहा था कि हम किसी के गुलाम या किसी की बापोती में फंसे हुए लोग नहीं है, जो जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते और जो सरकार उसे लागू करने की बजाय उनका तड़वा चाटती है, जिन जो लोग एस्टेब्लिश हैं, तो ऐसी सरकार के साथ रहने का कोई मकसद नहीं है। हम आप अपने हम अपने जो है ना बीजेपी सरकार जिसको बना करके इतने मंसूबे पड़े थे, आज उसका इस नीति के ऊपर विरोध करते हैं कि वो दोगली नीति अपना रही है, और हम बीजेपी को छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद जो जब हमने अपनी पार्टी के खिलाफ बोल दिया और उसकी नीति और कार्रवाई के खिलाफ बोल दिया, तो सरकार का काम था मेरे मुझे निकाल दे, और निकालने के लिए जो है ना मैं अकेला था। जब सरकार निकाल नहीं रही तो मैं उनके कागजों को फाड़ के तो आने दे गया कि भाई मैं तो निकलूंगा ही निकलूंगा, मैं तो कह दिया हर चैनल पर, कहा मैंने बीजेपी छोड़ी, मैंने बीजेपी छोड़ी। साहब क्या लगता है, अभी बीजेपी कह रही है कांग्रेस के गुंडे बैठे हैं, ये कई जगह सुनने को मिला है, टीवी चैनल पे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के बोल रहे हैं सरेआम, और ये किसान नहीं है और कानून किसी रूप में वापसी नहीं होंगे, क्या लगता है? एक चीज तो श्रीमान जी आपको माननी पड़ेगी, जब दाल में कुछ कुणकी आती है, जब किसानों की वास्तविक मजबूरी थी तो किसान इकट्ठा हुआ, भारतीय किसान यूनियन की मजदूरी, उसी में राजनीति भी घुस गई। अब बीजेपी को डिलीट कर मरवाने के लिए किसानों का जो है ना राजनीति भी खेली जा रही है इसमें, कांग्रेस के लोग तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, वो तो उनको किसानों से कोई मतलब नहीं, अगर किसानों से मतलब हुआ तो अपने सारे कांग्रेस के जितने सांसद एमपी हैं वो सारे विधायक हैं सारे इस्तीफा देगा, खड़े हो जाएं बाहर, आप एक मिनट में चुनाव आ जाएगा। अगर ये जो जो लोग नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी किसानों के लिए नहीं, अपनी राजनीतिक भूख सता रही है। तो जी क्या लगता है, किसान जो बैठे हैं 6 महीने से लगातार,
क्या लगता है आपको कितने सही हैं और कितने गलत हैं आपके नजरिए से? मैंने मेरे भैया कहा तो सही कि इस देश में पांच वर्गों पे भाषण होता है, नॉट ओनली किसान, इसमें दलित पर पिछड़े पे भाषण होता है। मैंने कहा दलित और पिछड़े का आज तक किसी भी एससी बीसी की कोई रेजिमेंट नहीं, देश के अंदर से 300 राजदूत बाहर जाते हैं, एक भी राजदूत आज तक एससी बीसी का नहीं। हमारे देश में लगभग सैकड़ों मिलिट्री में रेजिमेंट है, एक भी रेजिमेंट नहीं हमारे दलित पिछड़े के नाम के। हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं जिनमें 600 के करीब जज हैं, एक भी ओबीसी का जज आज तक नहीं है। सिर्फ 18 जज हमारे एससी समाज के हैं, वो भी 1% से कम, जबकि उनकी रिजर्वेशन भी 23% है। ये देश पूरी तरह से मुट्ठी भर लोगों ने जकड़ लिया है, उनको देश में किसान और मजदूर को भूखा रख करके अपने बराबर में बिठाने से तो वो हक मांगेंगे, उनको सिर्फ टुकड़ों के ऊपर पाड़ने का ही एक मंसूबा है दोनों पार्टियों का, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है जी, के टुकड़ों पर, ये हमारे टुकड़ों पर पड़े। सैनी साहब क्या लगता है, बहुत जल्दी सैनी साहब किसानों के बीच में नजर आएंगे? 6 महीने तक अब तक किसानों के बीच में आप नजर नहीं आए कहीं भी। मैं साहब 6 महीनों से किसानों के बीच में हूँ, लेकिन मैं वहां इसलिए नहीं गया जहां पर हमारी टीम के सारे लोग धरना देकर के आए हैं। हमारे नैब सिंह पटाक माजरा जी यहां पर से 3-3 बार बसें लेकर के गए हैं, हमारे राजपाला जी ने वहां पर बहुत सारा मतलब लोगों के बीच में कई कई बार, लेकिन कुछ लोग मेरे को अपना विरोधी मानते हैं और वो जद्दोजहद सिर्फ ये है कि राजकुमार सैनी का फेस नहीं चमकना चाहिए, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो मैंने जहां मैं बैठा था मैंने वहीं उनका समर्थन किया, वीडियो के जरिए, अखबारों में और दूसरी जगह, सभी जगह जो मैं कह सकता था। ये लोग नहीं चाहते सरकारें कि किसान संपन्न हो, नहीं चाहते कि मजदूर संपन्न हो, ये भिखारी रहने चाहिए। और किसान कौन है, ये दलित और पिछड़ा है, बड़े लैंडलॉर्ड लोग तो मुट्ठी भर रह गए जो खेती कर रहे हैं, अन्यथा अपने ठेके पर जमीन न दे करके सब अपने और दूसरे कारोबार कर रहे हैं जी। सैनी साहब एक बात और पूछ रहे थे चलते चलते आपसे किसानों की बातचीत का, अब हर जगह बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं, जैसे आपने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा, फिर आपने गोहाना से लड़ा, और जैसे आपने नारायणगढ़ वगैरह जैसे कई जगह से, और फिर लास्ट में बड़ौदा बड़ौदा पहुंच जाते हैं, तो बदल बदल चुनाव लड़ने का, सुनिए साहब एक इत्तेफाक बनता है किसी बात का। जब मैं गांव का सरपंच बना तो मेरा गांव था छोटी रसौर, बड़ी रसौर में 2500 वोट थे और मेरे गांव के 50 वोट थे, तो मुझे मजबूरन पंचायत एक थी तो लोगों ने खड़ा किया कि 2500 गांव, मैंने कहा भाई यार तुम वोट डालोगे नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को 1/3 मेजोरिटी से जितवाया, मतलब 2 हिस्से वोट मेरे पास पड़े, 1 हिस्सा बाहर पड़े। इसी तरह से जब ब्लॉक समिति लड़ी तो सढोरा हल्का पड़ता था हमारा नारायणगढ़ के पास में, मेरा गांव सढोरे में आता था, लेकिन मैं नारायणगढ़ की ब्लॉक समिति में लड़ा। ब्लॉक समिति जब नारायणगढ़ की लड़ा तो मेरा गांव उसमें नहीं आता था, क्योंकि मेरा गांव जनरल वार्ड की बजाय रिजर्व वार्ड में आ गया। फिर मैं सढोरा से निकल करके नारायणगढ़ में एमएलए का इलेक्शन लड़ा, जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ा, ब्लॉक समिति का भी लड़ा, उसके बाद में एमएलए का इलेक्शन लड़ा सढोरा में रहते हुए नारायणगढ़ से, नारायणगढ़ में जीता इलेक्शन। और उस वक्त भी परिस्थिति यही थी कि सढोरा रिजर्व था, और जब मैं एमपी का इलेक्शन लड़ा तो महज इत्तेफाका के अम्बाला सीट पार्लियामेंट्री रिजर्व है, तो मैं आकर के कुरुक्षेत्र से लड़ा। और अब जब ये गुंडागर्दी ज्यादा सर पे चरम सीमा पे पहुंच गई थी तो लोग ये धमकियां देते थे कि आना फिर कभी जाटलैंड में, आना कभी गुहाना में, तो फिर मैं जाके गुहाना में, और अब तो कहा कि अगर बड़ौदा में पांव रख दिया तो एक पीस में आएगा तो एक पीस में जाएगा नहीं। फिर मैंने 8 राउंड किए बड़ौदा हल्के में इलेक्शन, सिर्फ इस गुंडागर्दी को लोगों के अंदर से जो टेरर बिठा रखा है, जो खौफ बिठा रखा है, उसे निकालने के लिए। मेरा मकसद किसी रिवेंज के मतलब नहीं है, मेरा मकसद है कि देश में सभी समान रूप से इस देश में रहते हैं। मूल निवासी जो यहाँ का था उसे जब वोट लेनी है तो हिंदू बनाया जाता है, जब अधिकार देने हैं तो वो दलित और पिछड़ा बन जाता है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए हम गौतम बुद्ध धर्म की एक परछाई जो इस देश में आनी चाहिए थी, विश्व के सैकड़ों मुल्कों में बौद्ध धर्म एस्टेब्लिश हुआ, जहां समानता है, जहां जाति बाति का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, वही देश तरक्की कर गए। हमारे देश में इस ऊंच नीच के भेदभाव ने
33 करोड़ देवी देवता और भगवानों ने इस देश का सर्वनाश मुट्ठी पर लोगों ने अंधविश्वास पर लगा कर दिया। जी शेणी साहब, चलो चलते चलते एक बात और पूछ लेते हैं आपसे। चलो आपने कहा चौधरी भजनलाल के साथ रहे, ओम चौटाला साहब के साथ रहे, बंसीलाल के साथ रहे, और साहब अब मनोहरलाल खट्टर के साथ भी रह चुके हैं, तो क्या आप उनके बन नहीं पाए या उन्होंने आपको बनाया नहीं, तो ये क्यों बार बार बदल कैसे देते हैं आप नया नया? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर समाज की लड़ाई लड़ोगे तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा, और जिसके हाथ में सत्ता है वो बर्दाश्त सच्चाई को करेगा नहीं, और सच्चाई कहने के लिए दम चाहिए, स्वार्थ से परे चाहिए। स्वार्थों की पूर्ति करनी है तो तड़बे चाटू राजनीति अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने समाज जन कल्याण के लिए लड़ना है तो लोगों ने सोक्रेटिस को भी फांसी पे टांग दिया था, लोगों ने तो जहर दे दिया था, मतलब जो है ना उसको भी, लोगों ने तो जो है ना जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हुए, चाहे वो तेग बहादुर जी हुए, शीश कटे गुरुद्वारे के अंदर जा करके, वो मानवता के लिए लड़ रहे थे। देश का इतिहास भरा पड़ा है, जितने लोगों ने सच बोला उन लोगों को यातनाएं भुगतनी पड़ी, लेकिन बदलाव उन्हीं की विचारधारा देश में लाई। शरीफ साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते दो शब्दों में बता दीजिए, कोरोना काल में बीजेपी अपनी जो जनता जनार्दन है उनकी आशाओं पे खरी उतर पा रही है, होम आइसोलेशन में किट पहुंच रही है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं प्रॉपरली, जो कोविड सेंटर बनाए उनमें रिलीफ मिल रही है मरीजों को, नहीं मिल रही है? आप एक सांसद रह चुके हैं बीजेपी के साथ, 5 साल कंधे से कंधा मिला के चले हैं, आपका क्या नजरिया, कितनी खरी उतर पा रही है लोगों के आशाओं में? आज बहुत सारे ट्रस्टियों ने अपने खजाने का मुंह खोल करके मुझे भी दिल्ली में, गुड़गांव में 10-10 सिलेंडर, उस वक्त जब कहीं सिलेंडर ब्लैक होने लगा, इतनी बुरी हालत हुई अपने इलाके में भी, अपनी फैक्ट्री मेरी स्टील इंडस्ट्री है, उसमें मोस्टली गैस एलपीजी और ऑक्सीजन दोनों से कटिंग का काम होता है, लेकिन हमने वो कटिंग छोड़ करके लोगों की जान की हिफाजत के लिए प्रयास किया कि जो बीजेपी नहीं कर पा रही थी। बीजेपी के लोग अगर ये चाहते तो आज ये 1500 करोड़ रुपये का जो है ना ये मंदिर बनाने लग रहे हैं। अरे हॉस्पिटल बनाओ, ये मंदिर तो पहले भी देश में इतने हैं जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती। हमारे देश के अंदर जो है ना मंदिरों की, शिवालयों की भरमार है। अब वो मंदिर और शिवालय जब बंद कर दिए और शराब खोल दी तो सारे चिल्लाने शुरू करने लगे कि भाई मंदिर भी खोल दो, भूखे मर गए। रे भगवान तो तुम्हारे पास है, उनके पास जिनसे तुम आशीर्वाद आम जनता को दिलवाते हो उनके पास से तुम ही बोरियां भर लो ना 10 दिन के लिए, जिनके तुम सारा दिन धूप बत्ती करते हो। अरे वो तुम्हारे को कुछ नहीं दे रहे तो आम जनता को क्या देंगे, वो जो तुम्हारे बहकाने से जो है ना अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं। इस देश में बीजेपी ने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करके इस देश को गर्त में उतारने का ठेका ले लिया। बीजेपी ने वही आचरण निभाया जो कांग्रेस ने निभाया, कांग्रेस सेकुलर सेकुलर करका करती रही, और यहाँ मतलब जो है ना, जबकि कांग्रेस के जवाहरलाल नॉन सेकुलर थे, मतलब जो है ना जब उसे पता लगा कि तेरी मरने की टाइम आ गया और 40,000 श्लोकों का अनुष्ठान कर रहे, तो कहाँ मतलब जो है ना जो लोग धर्म निरपेक्ष हैं, ये तो हमारा देश जो है ना, हमारा देश अंधविश्वासियों का देश बन चुका है, विश्व तरक्की कर रहा है, हम लोग अभी भगवानों और मंदिरों के भरोसे बैठे हैं। ये मंदिर कुछ अब कोरोना काल में करते, इनमें से किसी भी मंदिर ने, इतने बड़े बड़े संपन्न मंदिर हैं तो वो चाहते तो बहुत सारे बेडों का इस्तेमाल करके जो है ना अपने मंदिरों में कोरोना से कुछ कर सकते थे जनता के लिए, लेकिन कुछ नहीं किया, वहां सिर्फ लूटपाट धन की है। यही पोजिशन है हमारे देश के, कुछ गुरुद्वारों ने तो सेवा की लेकिन मंदिर ने किसी कोई सामने नहीं आया। यही पोजीशन बीजेपी के लोगों ने निकने डाल डाल करके, लोगों ने जो धर्म का पाठ पढ़ा रखा है, अब वो धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग क्यों नहीं सेवा करवा सके जनता की? इतनी जनता मर गई, 25-26 साल के बच्चे मर गए, ये कहां पूरी हो सकी? अगर ये लोग जब चाइना में इतना, अमरीका में अंदर इतना हाहाकार मचा, उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया, हमारे लोगों के पास कंट्रोल करने के बजाय मंदिर बनाने पर लगे हुए। जी शरीफ साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कितनी समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में लाइव हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से हरियाणा न्यूज 24 पे आए आप। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार, थैंक यू। तो हमारे साथ ये राजकुमार शेणी जी बने हुए थे, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो,
संरक्षक हमारे साथ बेबाक तरीके से बातचीत किए। इन्होंने कहा कि हमने कभी भी 35 बनाम एक 36 बिरादरी कभी बात नहीं की, क्योंकि हम हमेशा जनता जनार्दन के और सभी के साथ रहे हैं और किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने साफ कहा है, 6 महीने से बैठे हैं किसानों ने, कहीं ना कहीं उनका सरकार ने सुध लेनी चाहिए किसानों की, और हम किसानों के साथ हैं बार बार, और हमने कई बार वीडियो भी जारी किया है, और किसान अपनी जगह सही है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लाबा फिर मिलते हैं कब कल किसी नेता के साथ। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।